बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सीबी कंसल्टेंट। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि होटल बुकिंग कैसे करते हैं। आज हम दो वेबसाइट्स पे जाएंगे और दो वेबसाइट्स पे होटल बुकिंग करेंगे। और जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी हिट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि आजकल इस्लामाबाद में जो है इशू जो चल रहा है, जैसे आपको पता है कवर जो है दोबारा आ रहा है, और उस वजह से इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा SOPs पे जो है सख्ती से लाअमल किया जा रहा है। तो वो जाने से पहले वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे जो सबसे मशहूर जो है कह सकते हैं कि वेबसाइट है booking.com, तो उसके तरफ हम चलते हैं। ये मैंने पहले ही एक चीज़ जो है वो ओपन करके रखी, लेकिन मैं शुरू से जाके आपको बताता हूँ। अगर मैं यहाँ इटली या यूके का कोई भी सिटी का नाम लिखूँगा, तो आप जहाँ आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का वो आपको बता देगा कि आपने वहाँ आपको वहाँ चीज़ मिल सकती है। अब ये देखें, मैंने लंदन, ग्रेट लंदन या यूनाइटेड किंगडम के लिए मैंने एक चीज़ सर्च की, तो वो उन्होंने हमें बता दिया है। तो अब हमने एक दिन दो दिन जितने दिन के लिए भी हमारा स्टे, हम उस हिसाब से वो चलेंगे। तो मैं एक दिन का कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ अगर आप सिंगल मेंबर हैं तो सिंगल करेंगे, डबल हैं तो, वैसे तो सिंगल सिंगल ही चलता है शॉर्ट टर्म वीज़े में। इसके साथ जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने एक इन्होंने अपनी पूरी एक डिटेल दे दी है, नहीं है पूरे के पूरे कह सकते हैं कि सारा अच्छे से अच्छा 5 स्टार से लेकर 1 स्टार तक जितने भी सारे होटल्स हैं वो सब आ जाएंगे। मैं कर रहा हूँ इसको फर्स्ट वाले को जो 1 स्टार है, इसमें आपको जो चीज़ें मिलती हैं या आपकी चीज़ें जो भी हैं, तो ये आपको एक चीज़ मिल रही है। तो इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 नाइट, जहाँ दोबारा से आपको एक दफ़ा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद कर देंगे आई विल रिज़र्व्ड। आप जैसे आई विल रिज़र्व्ड पे क्लिक करेंगे तो नीचे अब आपको अपना नाम देना पड़ेगा। तो मैं अपने चैनल का नाम ही दूंगा, ज़हरी सी बात है। तो ये मैंने पहले थोड़ा सा पहले अब एक दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ, तो मैंने कहा अब आपको दिखा दिया जाए। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने चले जाना है फाइनल डिटेल पे। फाइनल डिटेल पे जाने के बाद आपके पास एक दफ़ा फिर से आपसे ये नंबर मांगेगा, तो आपने जब इसको नंबर दे देना है, तो उसके बाद अब आपने इसको अपने कार्ड का नंबर देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मेरे पास जो है कह सकते हैं कि जो डेबिट कार्ड है या मास्टर कार्ड है, तो आप उसके थ्रू भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो है डेबिट कार्ड के थ्रू दूंगा इसको, ताकि और इशू ना रहे हमारे पास, ठीक है। तो मैं वही चीज़ दोबारा डालने लगूँगी। ये चीज़ जो मैं अभी कार्ड का नंबर डालूँगा, ये मैं वैसे एडिट करके कंसल्ट कर दूँगा, ताकि क्योंकि इसके यूटिलीजन की वजह से। तो जैसे ही हमने वो पिक्चर डाली है, तो उसके बाद कंफर्मेशन के लिए जो है अपना डेटाबेस को कलेक्ट कर रहा है, और उसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो आपके पास इसका एक नंबर आ जाएगा, जिस पे आप को कंफर्मेशन के लिए जो है कह सकते हैं कि आपका लेटर मिल जाएगा, booking.com का लेटर। अब आपके पास ये देखें, आपके पास जो चीज़ है वो आ चुकी है। अगर आप इस पर प्रिंट लेना चाहें, सेव करना चाहें, तो ये आपके पास एक बाकायदा तौर पर एक चीज़ जो है वो आ चुकी है। तो इसको जस्ट आपने सेव करना है या प्रिंट कर लेना है, वो अब आपकी मर्ज़ी है। और जैसे आप इसको करेंगे तो आपकी होटल बुकिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। अब